पता नहीं कोकिला कहाँ रह गई। हाँ कोकिला तो सुबह के आरती के लिए भी नहीं आई, उसकी तबीयत तो ठीक है ना। मैं माजी को बुला कर आती हूँ। माजी माजी, खोल रही हूँ दरवाजा, दो मिनट रुको। देर रात तक कार्यक्रम चला फिर भी तुम सब लोग उठ गए, कमाल है। मैं तो नींद नहीं पूरी हूँ। माँ जी वो मैं आपको नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। नाश्ता? हाँ हाँ चलो चलो, मुझे बहुत भूख लगी है, चलो। माँ जी पर माँ जी क्या? माँ जी माँ जी, तुमने कहा ना चलने के लिए, चल रही हूँ। इतना लंबा कार्यक्रम चला कल रात को कि मेरी नींद ही नहीं पूरी हुई है। सोचा थोड़ी देर और सो लूं, लेकिन ये गोपी वो मेरा सर खाने के। वो सर भारी हो रहा था तो वो अच्छा हुआ गोपी वो मुझे जगाने आ गई, वरना मैं तो सो ही जाती। कोकिला ये सब क्या है? लगता है उस पर भी फैशन का रंग चढ़ने लगा है। मोटा भाभी वो बाग, दरअसल वो कल के कार्यक्रम के कपड़े गहने इतने भारी थे कि वो रात में दम घुटने लगा, तो आधी रात में मुझे मजबूरी में ये मतलब हल्के कपड़े पहनने पड़े। कोई बात नहीं, अब नाश्ता शुरू करें? हाँ जरूर जरूर। छोटी दादी सासू माँ, आज सब लोगों के लिए नाश्ता ना मैंने बनाया, ये लीजिए गर्मा गर्म पराठा खाइए। हाँ माँ जी, पराठे में प्याज है। वो दरअसल सोनाक्षी को पता नहीं था कि आप खाने में प्याज और लहसुन नहीं खाते हैं, लेकिन आपको भी नहीं पता चला कि इस पराठे में प्याज है। मेरा सर इतना भारी है अभी भी, वो तबीयत खराब लग रही है, मुझे पता ही नहीं चला कि ये पराठे में प्याज भी है। आप लोग नाश्ता कीजिए, मैं कमरे में ही नाश्ता कर लूंगी। वाह छोटी दादी सासू माँ, इन कपड़ों में कितनी झकास लग रही है ना? मुझे तो छोटी दादी सासू माँ का ये नया रूम बहुत अच्छा लगा। ताहिर सुनो ना, तुम मेरे लिए भी ऐसे कपड़े लेकर आओगे? रात को सोते सुना बस गोपी, मैं तुम्हें बताना भूल गई कि हमें अभी के अभी वकील के पास जाना होगा। चलो शुरुआत करो। छो सची मैं अभी आ रहा हूं। क्या करूं जिस धर्म के दिमाग से मीरा का प्यार हमेशा हमेशा के लिए निकाल सकूं? सोते बैठते उठते जागते मीरा 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 बस। लेकिन बस अब बहुत हो गया। श्रवण इस वक्त कहां से आ रहा? श्रवण
इतनी सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो? कहाँ थे पूरी रात? श्रवण, मैं तुम्हें कुछ पूछ रही हूँ। से पूछने से कोई फायदा नहीं। विद्या, ओ विद्या महारानी, जरा बाहर आने का कष्ट करोगी? श्रवण जी, आप आ गए। ओ मैडम, इधर देख के जवाब दो, ये क्या लगा रखा है तुम दोनों बहनों ने? हाँ, एक मेरे बेटे को छोड़ के चली गई और दूसरे की वजह से मेरा पोता पूरी रात घर के बाहर था। क्या किया तूने ऐसा? जी वो मैंने। गौरा बहन, आप विद्या से ऐसे कैसे बात कर सकती है? बस आप बीच में मत बोलिए पगली समधन। ये मेरे घर का मामला है, समझी? क्या प्रॉब्लम क्या है तुम मोदी को? हा? जब से तुम दोनों बहनें इस घर में आई हो, तब से इस घर में मुसीबत ने जैसे कि घर बसा लिया है, नाक में दम कर दिया है दोनों ने। आजी बस। ये आप क्या बोले जा रही हैं? अरे मेरे एक फ्रेंड की माँ को अचानक से हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा, उसकी मदद करने के लिए गया था, लेकिन इसमें विद्या जी का क्या दोष है? अरे लेकिन बस बाजी, बहुत हो गया। इस घर में कभी शांति नहीं मिल सकती क्या? कब देखो हर बात पर चिलम चिली। लेकिन अब बाजी बस बहुत हो गया, प्लीज। एक ये और एक वो तीखी छुरी मीरा। अरे बात हमें अशु बोलो जो, अब मीरा को बीच में क्यों ला रही हैं आप? कमाल है। बाबला कर दिया है मेरे बेटे को कमीनी। श्रवण जी, श्रवण जी, बाहर पाजी से तो आपने झूठ कह दिया, पर मुझे तो सच बता दीजिए, विद्या जी ऐसी कोई बात वजह नहीं। श्रवण जी, कुछ तो बात है जिसे श्रवण जी टाल रहे हैं, मैं किसी भी कीमत पे सच जान के ही रहूंगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।